इसी ग्राउंड पर आज शाम राज ठाकरे बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। तो ग्राउंड के बाहर औरंगाबाद में एमएनएस की तैयारी भी पूरी है, राज ठाकरे के पोस्टर लगाए गए। तो शिवसेना और एमएनएस के बीच बैनरबाजी भी देखी जा रही है। औरंगाबाद में राज ठाकरे का ऐसा बैनर भी लगाया गया है जिसमें उन्हें बाला साहेब ठाकरे के बाद दूसरा हिंदू हृदय सम्राट बताया गया है। जाहिर है दोनों पार्टियों के बीच ऐसी रस्साकशी में टेंशन का माहौल भी है, जो रैली के दौरान किसी बवाल की शक्ल ना ले। प्रशासन को इसका डर भी है, लिहाजा औरंगाबाद में सुरक्षा का भी तगड़ा प्रबंध है। आज 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली है और 9 मई तक औरंगाबाद पुलिस ने शहर में धारा 37A लगा दी है, जिसका मतलब है बिना इजाजत 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ दिखने पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को औरंगाबाद में 16 शर्तों के साथ सभा करने की इजाजत मिली है और पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि सभा में शामिल होने वाले सभी लोगों को ये तय करना होगा कि कोई भी आपत्तिजनक या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी ना की जाए। तो साथ ही राज ठाकरे की सभा का विरोध करने वाले संगठनों को भी नोटिस दिया है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई अव्यवस्था के हालात बनते हैं तो उसका जिम्मेदार वही संगठन होगा। राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी साफ कहा है कि कोई भी कहीं भी जनसभा कर सकता है, लेकिन सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया है। काय सभा घ्यावी, कुणी कशी सभा घ्यावी, त्याला परवानगी त्या भागातल्या पोलिसांची घ्यावी लागते, पोलीस त्यांना देतात। कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती अडचणीमध्ये येण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते, ती निर्माण होऊ नये याबद्दल महाविकास आघाडीचं सरकार खबरदारी घेतय, सतर्क आहे, बंदोबस्त भरपूर ठेवलेला आहे।